एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुषमा यादव व्लॉग। टाइम हो गया है 9 o'clock, देखो। और आज मेरा काम बहुत जल्दी फिनिश हो गया था, क्योंकि आज मैं सुबह उठी थी 4 बजे, ऐसे आँख खुल गई थी, तो मैंने सोचा बच्चे भी स्कूल जाएंगे तो जल्दी उठ जाते हैं, खाना वाना भी रेडी हो गया, बट मैंने खाया नहीं है। और रितु गया जीजीआर के साथ खाटू श्याम जी, ऋतिक और तुषार, गीता जीजी, पूरी फैमिली उनकी और रितु साथ में, सारे के सारे चले गए। कोई बात नहीं, सही है, वो घूमने के लिए तो आया था, वो घूम लिया तो हमारा भी जाना सही हो गया। मतलब गए नहीं गए, बट इतना दुख नहीं हुआ, है ना, क्योंकि वो रहता ना, क्योंकि उसको स्पेशल हमने इसी चीज़ के लिए बुलाया था कि चलो साथ में घूम लेंगे, और उसकी छुट्टियाँ भी थी, तो कोई नहीं, चलो वो बोर नहीं होना चाहिए, उसका इंजॉयमेंट हो गया, वही अच्छा है। तो अभी खाना बन गया है, मैं अपना खाना दिखाती हूँ। देखो, ये आलू के पराठे, हरी मिर्च, दही है और दूध वगैरह भी हुए, और बर्तन पड़े हैं, अभी वही बर्तन धोने पड़ेंगे, इसलिए खाना हो गया रेडी। मेरा खाना ये रहा, अभी मैं खाऊंगी खाना, और खाना खा के फिर मैं फ्री हूँ। आज मैं सोच रही हूँ कि एक मेरा सूट रखा हुआ है, कुर्ता कुर्ता, उसको मैं सिल लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम है, 9 बजे अभी, तो फिर सिल के फिर दिखाते हैं, अगर सिलेंगे या नहीं सिलेंगे वो बताएंगे आपको बाद में, और फिर क्या होगा बाकी दिन भर में वो सब भी आपको दिखाएंगे। शिवांशी इधर देख, इधर रोएगी, रोएगी, रो मत बेटा, आ जाएगी तेरी मम्मी, चुप हो जा। तो मम्मी के पास से आई नहीं है अभी, है क्या हो गया? क्या बोली? इधर होके बोलो, क्या बोली? मम्मी को जाऊंगी। तुझे भी जाना है मम्मी को? मम्मी को जाना है तुझे भी? तेरी फ्रेंड है, चुप कर दे इसको, आ टॉफी दूंगी, आ जा शिवांशी, आ टॉफी दू भाई, इसको टॉफी दू निकाल के, आ जा। नहीं आऊंगी, कहाँ जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी, हैं? क्या बोली, इधर बोल। देखो ये तो कितनी कितनी समझदार है, कितनी छोटी सी है ना, तू रो रही है शिवांशी, तू भी अच्छी बच्ची है ना, अच्छी बच्ची है ना, कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? अब धीरे धीरे उतार लेगी, थोड़ी देर में ऊँ करके चुप हो जाएगी, पर रोज एक बार आके इसको कीर्तन करने जरूरी है भाई, है ना, कीर्तन करती है ना आके यहाँ पे। अरे देख कितना खुश हो रहा है, किसी को रोते हुए नलायक पाप लगेगा तेरे को, इतना खुश होता है तू, ठीक है। चल शिवांशी, आ जा बेटा, आ जा। अब इसको रोना नहीं आ रहा, और वैसे ही रो रही है। देखो भाई, आज ये ड्राइंग कंपटीशन हुआ है सब बच्चों में, कौन कौन सा इसको छोड़ के साइंस को, और इन सब बच्चों ने बनाए, कितने जने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 जने हैं, एक और था उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसने कलर ही नहीं किया, ठीक है। और ये सारे हमने रख दिए हैं, तो इस पे मैंने सीरियल नंबर भी डाले हैं, तो आज सैटरडे था ना, इसलिए हमने अभी इनका नया सेशन शुरू नहीं हुआ है, तो इसलिए बच्चों की डिमांड पे हमने ड्राइंग कंपटीशन रखा था, कौन अच्छा कंपटीशन करेगा, मतलब कौन अच्छी ड्राइंग करेगा, सॉरी, ठीक है। तो ये कुछ ड्राइंग बनाई है इन 6-7 बच्चों ने, तो इनमें से अब हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी है, और आप लोग भी बताना कमेंट में कि हम इसका पूरे का एक वो अटैच कर देंगे में वीडियो में, आप भी बताना आपके हिसाब से कौन सी अच्छी है। हमने सीरियल नंबर भी दिया है सब में, शायद आपको दिख भी रहा होगा, दिखाना एक बार, जैसे ये फर्स्ट, अगर आपको फर्स्ट अच्छी लग रही है तो ये वाली, सेकंड ये रही, दिख रही है अच्छे से, ये वाली थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और ये सेवन्थ, ठीक है, सेवन्थ ड्रॉइंग है। तो सेवन्थ में से जो भी आपको अच्छी लगती है आप भी कमेंट बॉक्स में बताना, बाकी हम अभी डिक्लेयर कर देते हैं हमारे अकॉर्डिंग कौन सी, बाकी तो सारी बहुत अच्छी है, ठीक है, बट हमारे हिसाब से कौन कौन सी अच्छी है। जैसे मैं अपनी वो बताती, जैसे फर्स्ट तो ये वाली है, और क्योंकि इसमें एक क्लियरिटी वगैरह अच्छी है सारी, सेकंड वो तो ठीक है, पर तेरी देखिए ये वाली चीज ऐसे आ रही है बाहर,
मेरे हिसाब से सेकंड ये है और थर्ड ये है और फोर्थ ये है और फिफ्थ ये है और ये तो ऐसा बना दी जैसे वो तूड़ा का डूंगो ना रहे है ना और यूपी में बिटोड़ा रहे ऐसा हट बना दी थी। ये क्या बना दिया, किसकी है ये भाई? ठीक हाँ, है तो ये भी ठीक है बट हाँ फिर ये था कौन सा नंबर था, फर्स्ट ये थी और सेकंड ये थी और थर्ड ये थी, फोर्थ ये थी और फिफ्थ ये थी और सिक्स्थ ये है और सेवंथ ये है। फोर्थ वो थी, फिफ्थ ये ज्यादा सही है। हाँ, ये वो भी अच्छी, बाकी सारी अच्छी है, बहुत अच्छी है। ठीक है तो अभी इनको हम इनको बच्चों को प्राइज भी मिलेगा भाई, ड्राइंग कंपटीशन रखा था ना तो हमने प्राइज भी कर दे दिया था, बाकी वो हम जरूरी नहीं कि दिखाएंगे, बाकी देंगे बच्चों को और होगा तो हम दिखाएंगे भी इनसे पूछ के कि इनको क्या चाहिए, कुछ भी जो इनके लिए इनकी नीड की चीज़ होगी। ठीक है अच्छा ठीक है, बाकी ओवरऑल सारी ड्रॉइंग अच्छी थी। ठीक है और वहाँ पे चीना की वो मजा रखी बेचारे की, एक छोटा सा बच्चा नहीं समझ रहा उससे, ठीक है एक छोटा सा बच्चा नहीं समझ रहा। ठीक है भाई तो ये चैलेंज था अभी। देखो भाई इतने सारे कपड़े रखे हुए, कुछ पे तो मैंने प्रेस कर दी थी, ये बच्चों ने निकाले ना तो हो गया था, देखो क्या हाल हुआ पड़ा है सारा, इसको अभी ठीक करेंगे, जो कपड़े प्रेस में उनको प्रेस करेंगे और बाकी को सब अलमारी में सेट करेंगे। तो ये काम करते हैं, बाद में फिर खाना रेडी हो गया वो हम खाएंगे, बच्चे भी पढ़ाई कर रहे उसके बाद में। ये सारे कपड़े तो मैंने कर दिए थे, सुबह ही कर दिए थे, इनके कपड़ों पे भी कर दिया था और ये बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह जो भी ये सब ये सारे तय बनाने के थे, इन पे प्रेस नहीं होनी थी, ये दो चार बच्चे थे इन सब पे मैंने सुबह ही कर दी थी, बस इन पे अभी करी है और सारे कपड़े फोल्ड करके रखे हैं ताकि अब देखो बेड खाली खाली हो जाएगा, इन चीज़ों को सेट कर देंगे कहीं पर जहाँ इनकी जगह है। फाइनली ये काम भी फिनिश हुआ, काफ़ी दिन हो गए थे प्रेस हो नहीं रही थी, कपड़े जुड़े जा रहे थे आज अलमारी भी सेट करके ही सोऊंगी मैं कपड़ों को, इनको जो जिसका जो जहाँ पे वहाँ पे रख देंगे तो हो ही जाएगी सेट तो अपने आप ही। अभी खाना बन चुका है तो खाना खा लेते हैं, नहा धो के मैं फिर मिलती हूँ बाद में, और बच्चे अपने कर रहे ड्राइंग वगैरह तो उनको करने दो, मैं पहले इनको सेट कर दूँ फिर नहा के फिर मिलते हैं। देखो भाई यहाँ पे बच्चे पेंटिंग कर रहे थे ना, रुद्र अपनी पेंटिंग, रुद्र की पेंटिंग देखो और देवांश की देखो, ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है जय श्री राम लिखा है, इसने हनुमान जयंती पे बनाई थी, स्कूल में बनाई थी और अभी जस्ट बनाई है। देखो कलर वगैरह सब फैले हुए हैं वहाँ पे, वो स्केच पेन वगैरह सब है, और देवांश अपनी वाली दिखाना, देवांश की देखना, इसको बेचारे को कोई कलर ही नहीं दे रहा है,
ये इसका घर है भाई, सपनों का महल दिखाना। सपनों का महल है इसका, ये देखो ऐसा घर बनाएगा टूटा फूटा सपना लायक।